हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। और अफ्रीका में ईस्टर और यू नो दिस सीज़न द क्रिसमस सीज़न दो तीनों दिनों की छुट्टी होती है, चार दिन पांच दिन की छुट्टी होती है। तो अभी ईस्टर में तीन दिनों की छुट्टी थी। तीन दिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मतलब काफ़ी चारों तरफ माहौल रहता है, यू नो पीपल यू नो वांटेड टू गो आउट, मूव आउट, स्टे आउट। तो हमारे पास ऐसा कुछ प्लान नहीं था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप थी। तो हम लोग के पास यू नो बिल्कुल ही मना कर दिए थे कि नहीं जाना है, लेकिन प्रिशा के जिद के कारण हमें आना पड़ा। यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये जो प्लेस है काफ़ी ही खूबसूरत है, और यहाँ पे जो बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। स्पेशली जो बच्चे आते हैं ना उनके लिए स्विमिंग है, देन आपका प्ले ग्राउंड है, देन हॉर्स राइडिंग है, साइकिलिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि बच्चे यू नो पूरे दिन उनकी एक्टिविटी होती रहेगी। और यू नो आप पेरेंट्स आराम से बैठ सकते हैं, बच्चे अपना खेलते रहेंगे। प्रिशा जब यहाँ पे स्विमिंग पूल के पास आई तो देखी बच्चों को यू नो स्विमिंग करते हुए, तो बोली मम्मा मुझे भी स्विमिंग करना है। बट हम लोग तो सडनली गए, तो हमारे पास तो ऐसा कुछ प्लान था नहीं तो कि जाना है स्विमिंग पूल में, यू नो स्विमिंग करना है। तो हमने कॉस्ट्यूम नहीं लाया था स्विमिंग कॉस्ट्यूम, बट प्रिशा को जाना था तो जो उसका इनर था हमने इनर पहना के और बोला कि चलो जाओ स्विमिंग करो। फिर वो गई और उसके बाद उसने 5-6 घंटे स्विमिंग किया, बिल्कुल ही आने का तैयार नहीं हो रही थी। हम लोग मतलब 5-6 घंटे, हमें लगा कि जाके आधे घंटे में 1 घंटे में वापस आ जाएगी, लेकिन वो बच्चों के साथ जितने सारे अफ्रीकन बच्चे हैं उनके साथ बार बार उसके पापा बोल रहे थे कि तुम आ जाओ बाहर, बट नहीं आ रही थी, मुझे नहीं आना, मुझे स्विमिंग करना है। यहाँ पर इंडियन के बच्चे भी स्विमिंग कर रहे थे, बहुत सारे इंडियन आए हुए थे।